नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। ये व्रत विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों दोनों के लिए ही बहुत अहम होता है। सुहागिनी पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। इस साल 30 अगस्त 2022 मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हर साल महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि इस व्रत को करने की विधि, पूजा विधि और सामग्री, और साथ ही इस व्रत से जुड़ी हर जानकारी, तो आइए जानते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। आज हम जानेंगे इस व्रत का इतिहास क्या है, ये व्रत कब है और इसका पूजन का शुभ समय कौन कौन सा है, महिलाएं या कुमारी कन्याएं किस तरह से इस व्रत को कर सकती है, व्रत में कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, व्रत में कौन कौन से परहेज चाहिए और व्रत में क्या कर सकते हैं, व्रत में कौन सी गलतियां ना करें, पूरी वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वैसे भी सनातनी पद्धति में, सनातनी संस्कृति में बड़े से बड़ा इतिहास है। बूढ़ी के भौतिकता के युग में हम उतना डीपली नहीं समझ पाते चीज़ों को, तो शायद इसलिए हमें आज सब कुछ होकर के भी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार कुंडली मिला के भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो दर्शकों, ऐसे जो अवसर है, ये पर्व है, ये जो व्रत है, इन पर अगर आप ध्यान दे देते हैं और विधि विधान से इनका व्रत करते हैं, उपवास पूजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेगेटिविटी से, बहुत सारे चीज़ों से बचाव होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आगे पीछे हम कहा करते हैं कि इच्छित वर की प्राप्ति हो, विवाह नहीं हो रहा है या बढ़िया रिश्ता नहीं हो रहा है या पति पत्नी में इतना अच्छा प्रेम नहीं है, तो ये बहुत सुंदर अवसर है हरतालिका तीज व्रत। पहले तो मैं ये बता दूँ ये व्रत है कब। तो यह व्रत आप 30 अगस्त को मनाएँगे। 29 अगस्त को, एक दिन पहले शाम को 3:20 पर तीज तृतीया तिथि प्रारंभ होगी और फिर 30 अगस्त को लगभग शाम को 3:35 के लगभग रहेगी। अलग अलग राज्यों में कुछ मिनटों का फर्क पड़ेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है सुबह का 6:05 से लेकर 8:37 तक, ये समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है पूजन करने का। और शाम को माता पार्वती जी की, भगवान शिव की प्रतिमा बना ले, मिट्टी की मूर्ति बना ले, जैसे भी आप बना सकते हैं, और फिर भगवान शिव का, माँ पार्वती का पूजन करें। ये व्रत महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, यानी पति की दीर्घ आयु के लिए, पति की सुख समृद्धि या आरोग्यता के लिए, पति के सुख के लिए और संतान के सुख के लिए करती हैं, और कुमारी कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत का इतिहास इतना ज़बरदस्त है, इतना बड़ा इतिहास है कि आप पढ़िए, समझिए और व्रत को कीजिए, आपको फल मिलेगा, बिल्कुल फल मिलेगा। पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ही श्रद्धाभाव से किया जाता है। और एक नियम, जो इस व्रत का शुरुआत कर देता है, जो महिलाएं इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती हैं, उन्हें फिर ये व्रत हमेशा करना चाहिए, करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्रत का इतिहास क्या है, फिर आपको पूजन की विधि और सामग्री बताएंगे। आपने कहानी सुनी भी होगी, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। जब माँ पार्वती जी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली और उनका विवाह नारद जी प्रस्ताव लेकर के विष्णु भगवान से करवाने के लिए गए, लेकिन माँ पार्वती जी के मन में भगवान शिव को वर पाने की इच्छा थी। तो जब उनके पिता ने भगवान विष्णु के साथ विवाह करना चाहा, तो माता पार्वती जी बहुत परेशान थी, दुखी रहती थी। तो उनकी एक सहेली ने उन्हें, उनकी मन की भावनाओं को समझा और उन्हें साथ लेकर के जंगल चले गए। तो हालांकि इसका नाम भी इसलिए हरतालिका तीज पड़ता है, यानी सखियां हर करके जंगल ले गए, हरतालिका तीज, इसलिए नाम पड़ा, तृतीया तिथि है।
तो वहाँ पर भगवान शिव की उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक अन्न जल को त्याग करके पेड़ पत्ते पुष्प खा करके तपस्या प्रारंभ की। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को भगवान शिव का रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का वंदन पूजन तपस्या की, तो भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्हें इच्छित वर दिया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल वो सारी सामग्रियाँ माँ पार्वती ने बहते पानी में विसर्जित किया। तो एक तो इच्छित वर की प्राप्ति के लिए, पति की सुख समृद्धि आरोग्यता प्राप्ति के लिए, पति पत्नी का अटल संबंध प्रेम बना रहे उसके लिए व्रत किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले घर की साफ सफाई अच्छी तरह शुद्धता होनी चाहिए। व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, सुबह उठने के बाद सुंदर से साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन करके श्रृंगार सहित, जो सुहागिनी स्त्री है श्रृंगार को धारण करके बड़े भाव से व्रत का, देखिए सबसे बड़ा इतिहास, सबसे बड़ा फल तो यह है कि आप जब व्रत करें तो बहुत शौक से करना चाहिए, बहुत खुशी के साथ करना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होकर करना चाहिए, बड़े हर्ष उल्लास के साथ करना चाहिए। तो तैयार होकर के भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन वंदन करना चाहिए और इसी के साथ साथ इस व्रत में जल अन्न फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। आप पौराणिक कथाएं सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि जल ग्रहण करने से आगे मछली आदि की योनि मिलती है, फ्रूट खा लेने से बंदर की योनि प्राप्त होती है, वो कोई बहुत बीमार हो, बहुत कोई परेशान हो तो उसके लिए शास्त्र छूट देता है, अन्यथा ये व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। करवा चौथ तो चंद्रमा उदय के बाद व्रती अर्घ दे करके व्रत को संपन्न कर लेती है, लेकिन इस व्रत में 24 घंटे यानी दूसरे दिन पूजन करने के बाद फिर व्रत को खोला जाता है, तब जल ग्रहण किया जाता है। बहुत कठिन तप है, बहुत कठिन व्रत है, लेकिन इसका फल भी प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये व्रत निर्जला रह कर किया जाता है। इस व्रत में हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी या श्रृंगार सूट वगैरह जो भी पहनते हो आप, भारतीय परिधान से हरे रंग का कपड़ा पहने। परहेज क्या करना है, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए आपको, और व्रत के समय यानी कि हरितालिका तीज वाले दिन शयन नहीं करें, सोएं बिल्कुल ना। क्रोध आलस से, चुगली निंदा ईर्ष्या भावना से बिल्कुल बचने की कोशिश करें, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। जिस घर में महिलाएं व्रत रखें उस घर के पुरुषों का भी दायित्व तो बनता है कि उस घर की मर्यादा या शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान दे, एक तरह से तपस्या है। भगवान के पूजन में आप सामग्रियाँ क्या कर सकते हैं, देखिए मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, श्रृंगार का सामान, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, सेंट, कलश बना ले, अबीर चंदन गुलाल ले लें, कपूर ले लें, महावर ले लें भगवान को चढ़ाने के लिए, बिलपत्र, केले के पत्ता का तो मंडप बनाना पड़ेगा, केले के पत्ता ले लें, पान, फूल, मेवा, श्रृंगार, आभूषण, चुनरी, ये भगवान शिव और माँ पार्वती को भक्ति भाव से अर्पण कीजिए। हरितालिका तीज व्रत करने से, देखिए व्रत का वैसे भी इतिहास है, सती सावित्री ने सत्यवान को अपने तप से तो वापस ले लिया था, तो इसका प्रभाव ऐसा, और वैसे भगवान शिव का कोई व्रत हो, हर व्रत का महत्व है। व्रत के बारे में आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो हजारों फायदे पा जाएंगे, और व्रत के बारे में धार्मिक फायदे बहुत हैं, धार्मिक बहुत फल है, और भगवान शिव का व्रत तो सच में इतिहास वाला है। आप शिव के बारे में पढ़ें तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो मुकद्दर में भी आपके ना हो, भगवान शिव उसे भी आपको दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, ये अधिकार भगवान शिव को प्राप्त है। तो कामना करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों तक, संबंधियों तक वीडियो को पहुंचाएं। हाँ, व्रत में सात्विक रहें, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा से जरूर बचें, सात्विक धारण धारण करके व्रत को कीजिए। भगवान शिव माँ पार्वती जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।